सोलन जिला के कंडाघाट से चोरी हुए एरिफ इंजीनियर्स के एक डंपर को सोलन पुलिस ने हरियाणा से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक चोर गैंग का सरगना बताया जा रहा है। एएसपी योगेश रोल्टा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एरिफ इंजीनियर्स, जो कि वर्तमान में फोर लेन निर्माण कार्य कर रही है, का डंपर चोरी हो गया था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और यह आरोपी चोरी के मामले में हरियाणा पुलिस की CIA द्वारा भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह एक चोर गिरोह का सरगना है और इसकी निशानदेही पर पुलिस ने हरियाणा से चोरी हुआ डंपर भी बरामद किया है। कंपनी की ओर से कि इनका जो हाईवा डंपर है वो चोरी हो गया है, जिसकी कीमत 37 लाख के आसपास है। तो इस कंप्लेंट पे कंडागढ़ थाना में 39/23 FIR रजिस्टर की गई थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डंप डाटा CCTV फुटेज के आधार पर 28/6/2023 को इसमें जो सस्पेक्ट था आरिफ मोहम्मद, इसको अरेस्ट कर दिया गया था। और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन और आरिफ मोहम्मद की जो इंटरोगेशन थी, उसके आधार पर पिछले कल यानी कि 21 तारीख को नू हरियाणा से ये डंपर जो है रिकवर कर दिया गया है। और इसमें ASI रमेश कुमार की एक लीडरशिप में टीम भेजी गई थी और ये रिकवरी पूरी हो गई है। ये हमारे सोलन पुलिस की और कंडागढ़ पुलिस की एक अचीवमेंट है कि हमने 37 लाख की जो है चोरी ट्रेस आउट कर दी।